प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। प्रिय बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जुड़े हुए सवालों को किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाए, इसके संबंध में हम एक वीडियो बना करके आपको भेजे हैं, जिसमें एक सवाल सिर्फ सॉल्व हो पाया। समस्या ये है, अगर जल्दी जल्दी हम सिर्फ सवाल सोल्व कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से जल्दी सोल्व हो जाता है, अधिक से अधिक सवाल आपको मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये वीडियो बना करके भेज रहे हैं क्लास का, तो क्लास का मतलब होता है कि हर एक बात आप समझा दीजिए, जिससे कि आगे जब आप कोई सवाल सोल्व करने लगें तो आपको कोई परेशानी महसूस नहीं हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका कारण समझ में आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम टोटल बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर होकर के सिर्फ क्लास करते जाइए, हम विश्वास करते हैं आपको सब बात समझ में आ जाएगी। हम आपको कमेंट करने भी कहे थे, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, तो हम बेसिक बात एलेवन से ही जो कुछ है, लिमिट है, डेरिवेटिव है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये सब बात पहले समझा लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, कोसेंट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, ये जानना अति आवश्यक है। इसके उपरांत ही 12 का मैथमेटिक्स समझ में आता है। लेकिन अब तक एक भी कमेंट इस संबंध में नहीं आया, तो इसका मतलब हम जो लगा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। अब वास्तव में क्या है ये आप जब लिख करके भेजेंगे, कमेंट करेंगे, तब हम समझ पाएंगे। तो बच्चा हमारा समझ नहीं पा रहा है तो हम आगे अलग से फिर से 11 वाला वीडियो बना के पहले भेज लें, तब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन कमेंट नहीं होने के कारण हम यही मान के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग सब अच्छी तरह समझ रहे हैं। खैर, जो कुछ भी हो, जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं, आप तो कंजूस हैं, कमेंट करने में भी आपको आलसी नंबर एक हैं, बहुत परेशानी होता है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करें, आपकी साथ इच्छा ही नहीं है कि कुछ सर जी को सूचित करें, बार बार कहते हैं आप सामने नहीं हैं, मैं आपके सामने भले हूँ, तो आप कमेंट करके भेजिएगा तो उससे ही हमको समझ में आएगा कि हमारा प्रयास कितना सफल है। तो देखो, हम आज जो क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं वो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट करिए DIFFERENTIATE डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है, साइन इनवर्स 3x -4x इफ। तो शर्त क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x इफ। तो कंडीशन दे रहा है कि x का मान पहला में तो -1/2 से ग्रेटर हो और <1/2 सेकेंड में हमसे रेंज दे रहा है, अगर x का मान 1/2 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा, और तीसरा दे रहा है तो -1/12 लेकिन 1/2 से -1/2 से छोटा। अब देखो तो हम बार बार बोल रहे हैं कि 11-12 के एग्जामिनेशन में सिर्फ यही सवाल पूछेगा और यही रेंज देगा। ये दो आपको हम अलग से इसलिए समझा रहे हैं कि ये कंपटीशन में वर्क करेगा, और जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ जब एप्लीकेशन होगा तब आप आशीर्वाद हमको दीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा कि सर जी आप पहले ही से हमको समझा दिए थे, अब हमको बहुत अच्छा से हर एक बात यहाँ समझ में आ रहा है। तत्काल तो आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा सर जी बता रहे हैं, तो लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आवश्यक है, इसको अगर समझें तो अच्छा है।
नहीं तो कमेंट करके भेजिए, एक्स्ट्रा मत कुछ बताइए हमको, एनसीईआरटी के बुक में जितना है उतना ही सॉल्व करके समझा दीजिए, जिससे कि हम ढाई से परीक्षा निकाल लें। तो वैसा कमेंट करो, जैसा करोगे वैसा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मान लो जो लेट वाई इज इक्वल, तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला फंक्शन का जो फार्मूला है उसको बार बार देखते रहो, जिससे कि तुरंत कन्वर्ट हो जाए। अभी देखो ये फार्मूला था थ्री साइन इनवर्स एक्स का, तो अब इसमें एक्स का मान क्या पुट करो, तो लेट वाई इज इक्वल, तो पहले लिख लो साइन इनवर्स थ्री एक्स और माइनस फोर एक्स क्यू, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू, फिर पुट कर लो साइन थीटा, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, तो हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन थ्री ए का फार्मूला है, तो देयर फोर वाई इज इक्वल, तो ये हो गया साइन इनवर्स थ्री, एक्स पुट कर दिए जो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो देखो ये है साइन थ्री थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स और यहाँ हो गया साइन थ्री थीटा। अब हम बोल रहे हैं कि ये थ्री थीटा का जो वैल्यू है ये साइन इनवर्स के रेंज में अगर आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे थ्री थीटा, और नहीं आया तो हम लोग पाई प्लस पाई माइनस टू पाई प्लस टू पाई माइनस का फार्मूला लगा करके फिर इसको रेंज में ले आएंगे। तो साइन इनवर्स का रेंज हम कहाँ से कहाँ तक समझाए हैं, तो ये आता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये याद रखना अति आवश्यक है कि इसी रेंज में हम लोग सवाल लाना है। तो पहला देखो, क्योंकि हमको दे रहा है जो एक्स का मान ये कहता है माइनस वन बाई टू से ग्रेटर है और वन बाई टू से लेस है, तो एक्स माने हैं कि इसको तो साइन थीटा, तो साइन में वन बाई टू का डिग्री का वैल्यू है तो साइन थर्टी डिग्री, तो माइनस यहाँ लिख दिए साइन, तो थर्टी डिग्री कैसे लिखते हैं रेडियन में पाई बाई सिक्स, तो ये ग्रेटर देन एक्स लिख दिए साइन थीटा और इसको लिख लो वन बाई टू ए है तो साइन फाइव बाई सिक्स। अब ये माइनस जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग साइन हटा नहीं सकते, तो इसको लिख दिए जो साइन ऑफ एंगल माइनस फाइव बाई सिक्स, क्यों, तो क्योंकि साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा और यहाँ हो गया साइन पाई बाई सिक्स। तो अब साइन हटा लें तो क्या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है जो थीटा का मान माइनस पाई बाई सिक्स से बड़ा है और पाई बाई सिक्स से छोटा है। ये चेक कर देना हर एक सवाल में, ये पूछे चाहिए पूछे चाहिए, इससे इम्प्रेशन आपका अच्छा बनेगा, मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो हम आपको समझाए कि हमको थ्री थीटा का वैल्यू चेक करना है, तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू यहाँ हो गया थ्री थीटा और ये हो गया पाई बाई टू। तो अब देखो जो साइन इनवर्स का रेंज लिखे इसी रेंज में ही आ गया, मतलब ये ही ओरिजिनल रेंज है, तो देयर फोर लिखे जो वाई इज इक्वल, तो हमको है साइन इनवर्स और साइन थ्री थीटा, तो थ्री थीटा रेंज में है तो ये रह जाएगा थ्री थीटा, दैट इज इक्वल टू थ्री, या थीटा कितना है तो साइन इनवर्स है। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं जवाब हो गया, तो देयर फोर यहाँ लिख दिए जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
तो थ्री कॉन्स्टेंट है, सिर्फ डी सी निकल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स के डी सी का फार्मूला आप लिख दीजिए, बस हो गया। ये दैट इम्प्लाइज तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल तो थ्री इंटू साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या दिए डी सी का, तो रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर आपका हो गया कि थ्री बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा रेंज चेक करें, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि x का मान, सिंस ये x का वैल्यू कहा 1/2 से तो बड़ा है लेकिन एक से छोटा है, तो फिर 1/2 साइन में वैल्यू बताए 30 डिग्री, तो ये लिख दिए 5/6 x मान ये साइन थीटा और ये हो गया साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। सब पॉजिटिवे है, डायरेक्ट साइन हटा लें तो ये बता रहा है कि थीटा का मान 5/6 से तो बड़ा है लेकिन 5/2 से छोटा है। हमको चेक करना है साइन 3 थीटा, ये तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5/2 से 3 थीटा बड़ा हो गया, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया 3 5/2। अब देखें जो रेंज 90 तक है, ये 90 से अबव बता रहा है और 3 5/2 से बिलो माने 90 से बड़ा, 270 से छोटा। तो अब इसमें क्या चक्कर है कि हमको तो रेंज बताए हैं इतने दूर है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक में घूमेंगे तो यहाँ तक 5/2, अब क्लॉक वाइज घूमेंगे तो यहाँ से बताया ये माइनस में 5/2। अब ये 5/2 से 3 5/2 मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज, तो ये इसका साइन इनवर्स का रेंज नहीं है। तो इसके लिए क्या सिखाए तो पहले माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इधर वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ माइनस 3 5/2 ये हो गया माइनस 3 थीटा और ये हो गया माइनस 5/2। अब इसमें पाई प्लस करके देखो तो पाई जब जोड़ेंगे हो तो ये बचेगा कितना, तो माइनस में 5/2 ये हो गया माइनस पाई माइनस 3 थीटा, और इसमें जब पाई जोड़ देते हैं कहीं प्लस में बच गया 5/2। तो अब देखो जो रेंज है इसमें आ गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये फार्मूला बैठाने के उपरांत ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि साइन ऑफ एंगल पाई माइनस 3 थीटा, तो पाई है ये ई लाइन है, इससे घटाएंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव, की साइन का एंगल है तो दे दिया साइन 3 थीटा। तो देखो ये भी वैल्यू चेंज नहीं किया और ये रेंज में भी है, तो यही एंगल यूज कर लो, तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू, तो ये है साइन इनवर्स। हमारे सवाल में आया है साइन 3 थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स, और साइन 3 थीटा रेंज में नहीं है तो रेंज में लाने के लिए क्या किए हैं, तो पाई माइनस 3 थीटा, तब तो ये अब रेंज में है ही, तो ये हो गया पाई माइनस 3। थीटा का मान दे दो, अब मिटाते हैं ऊपर में जगह का थोड़ा अभाव बुझा रहा है, लोग बोले नहीं सकते।
दैट इज इक्वल, तो ये हो गया पाई माइनस थ्री। और थीटा क्या है? तो साइन इनवर्स है। तो देयर फोर डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पाई कांस्टेंट है तो इसका डी सी जीरो, थ्री कांस्टेंट है तो रहने देते हैं, और साइन इनवर्स एक्स का डी सी निकालेंगे तो रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच गया माइनस थ्री बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स। तीसरा जो रेंज दिया इसमें क्या कहा सो देखें। थर्ड में हमसे कह रहा है हेयर एक्स का वैल्यू कहा माइनस वन से बड़ा है और माइनस वन बाई टू से छोटा है। तो माइनस तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू हो गया वन, यहाँ लिख दिए साइन थीटा और यहाँ साइन में 30 डिग्री का वैल्यू वन बाई टू, तो ये हो गया फाइव बाई। तो यहाँ क्या करें कि साइन ऑफ एंगल माइनस पाई बाई टू इज लेस देन साइन थीटा और लेस देन साइन ऑफ एंगल माइनस पाई बाई सिक्स। तो दैट इम्प्लाई, अब साइन सबसे हटा दें तो थीटा का मान माइनस पाई बाई टू से बड़ा और माइनस पाई बाई सिक्स से छोटा। लेकिन हम कह रहे हैं हमको इसमें चेक करना है थ्री थीटा, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस थ्री पाई बाई टू, यहाँ हो गया थ्री थीटा लेस देन माइनस, तब तीन से करेंगे तो छः कट जाएगा, होती हो गया पाई बाई टू। तो सबसे न्यूनतम है माइनस पाई बाई टू और ये उससे भी पीछे भाग गया हमको, बैक इससे इधर चला गया, इस डायरेक्शन में जब घूमोगे ना क्लॉक वाइज ये माइनस पाई बाई टू है और ये हो गया थ्री माइनस में पाई, और थ्री पाई बाई टू इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हे यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टे बता रहा है, इसमें सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है जो अब इसमें अगर माइनस करते हैं तो इधर वाला इधर कर दो तो ई हो गया प्लस में फाइव बाई टू, ये हो गया माइनस थ्री थीटा और ये प्लस में हो गया थ्री फाइव बाई टू। अब इससे पाई घटाते तो जो ही पाई घटाओगे तो ई बच जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ये हो गया माइनस पाई माइनस थ्री थीटा और इससे घटा देंगे तो हो गया पाई बाई टू। तो देखो ये रेंज में आ गए। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर जी अगर यहाँ पर मैं पाई जोड़ देते तभी ये माइनस में पाई बाई टू ये हो जाता प्लस में पाई बाई टू, तो पाई प्लस थ्री थीटा भी तो इसके रेंज में है, तो फिर आप ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इसका कारण समझाते हैं जो हम बार बार बोल रहे हैं ये वैल्यू हमारा चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग फार्मूला ये लगा दें कि साइन पाई प्लस थीटा, तब तो है ई पाई प्लस करोगे तो थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और सब निगेटिव की देखो माइनस में बता रहा है, हमको है ये प्लस में, तो हमारी मजबूरी है जो हम ये चेंज नहीं होना चाहिए और रेंज में भी बात आना चाहिए। ये जब तक दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक ये सिर्फ रेंज पूरा देने से आपका काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तब तो आप सही सही इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, नहीं तो सब गड़बड़ है, सिर्फ रेंज पुराने से काम नहीं चलता है इसमें। तो अब देखो ना ये वैल्यू देने पर ये साइन थ्री थीटा आ जाता है, कैसे आता है सो देखो। क्योंकि
यहाँ लिखते हैं जो साइन ऑफ एंगल माइनस पाई माइनस थ्री थीटा, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तब तो ये बच गया पाई प्लस थ्री थीटा, और साइन का एंगल निगेटिव हो तो बाहर आ जाता है, तो ये हो गया साइन पाई प्लस थ्री थीटा। अब ये कहे जो साइन पाई प्लस रहे तो माइनस में आता है, कि हो गया माइनस में साइन थ्री थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में देखो दे दिया साइन थ्री थीटा, तो अब वैल्यू चेंज नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो दे आर फोर तो वाई बराबर, तो सवाल तो हमारा है साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, तो ये थ्री थीटा रेंज में नहीं है, तो इसी के लिए तो इतना बुद्धि लगाए हैं, तो ये आया साइन में माइनस पाई माइनस थ्री थीटा। अब ये रेंज में तो साइन इनवर्स साइन थीटा तो लिख दो थीटा, तो माइनस पाई माइनस थ्री थीटा। अब ये थ्री थीटा का मान बैठा दो, तो ये हो गया माइनस पाई माइनस थ्री, और थीटा आपका क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो दे आर फोर डी वाई बाई डी एक्स, तो पाई कॉन्स्टेंट है तो माइनस में जीरो लिख दो, आई थ्री या साइन इनवर्स एक्स का वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया आंसर आपका। तो आंसर में लिख लो माइनस थ्री बाई रूट ऑफ हर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखो, याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन में क्या होता है कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, और साइन पाई फोर कहेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई रूट टू, और साइन पाई कहोगे तब तो ये हो गया पाई बाई टू, तो हो गया वन। तो साइन में हम लोग देखे जो एंगल जो जो बढ़ते जाता है इसका वैल्यू बढ़ते जाता है, लेकिन कॉस में उल्टा होता है, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन, और कॉस पाई बाई फोर निकालेंगे 45 डिग्री का तब से हो जाएगा वन बाई रूट टू, और कॉस पाई बाई टू निकालोगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो कॉस में जब एंगल बढ़ता है तो ये वैल्यू हमारा कमते जाता है, इसलिए जिस तरह से साइन में किए हैं वैसे हम लोग कॉस में नहीं कर सकते हैं, सावधान थोड़ा रहना। तो कॉस वाला टेन में भी ऐसा ही होता है, टेन जीरो डिग्री जीरो और नाइन्टी इन्फिनिटी, तो साइन में टेन में जब सवाल दिया रहे तब तो इनइक्वालिटी में कोई डर नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन कॉस वाला वो दिखला रहे हैं जब लोग सावधान होकर बनाना। या कॉस इनवर्स डिफरेंशिएट करने तो कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इफ। अब इसमें क्या रेंज दे रहा है तो एक्स का मान पहला में दिया जो जीरो से बड़ा लेकिन एक से छोटा, और इसमें दूसरा दो गो इसमें भी रेंज दिए हुए है तो माइनस वन से बारह लेकिन जीरो से छोटा। तो अब ऐसा जब सवाल हो तो सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखो जो लेट
y is equal to cos inverse 2x square minus 1. तो इसमें क्या पुट करोगे? तो पुटिंग x इज इक्वल टू, तो इसमें cos थीटा पुट करो, तो therefore थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया cos इनवर्स x, तो therefore y इज इक्वल टू, तो ये हो गया cos इनवर्स 2 x मान्य cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फार्मूला है? तो cos 2 थीटा का सब मल्टीपुल वाला फार्मूला। अब 2 थीटा देखें कि इसके रेंज में आया या नहीं। तो cos इनवर्स का रेंज हम लोग कहाँ से कहाँ तक जानते हैं? तो 0 से लेके पाई तक। अब इसके बीच में अगर 2 थीटा आया तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो चेंज करेंगे। तो पहला में देखिए कि चूंकि x का मान दे रहा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो अब देखें जो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ लिख दो जो 0 से बड़ा x माने हैं cos थीटा और यहाँ 1। अब इसमें पहले की तरह अगर लिख दें जो 0 के लिए जो cos 90 डिग्री से आई लिख दें cos थीटा 1 होता है cos 0 डिग्री, तो अब जरा सा देख करके cos हटा के देखो तो ये क्या बता रहा है कि थीटा का मान पाई बाई 2 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, गणित को गाली देने के समान है। ऐसा कभी होता है कि 90 से बड़ा हुआ 0 से छोटा, तो इसका मतलब सवाल गलत है तो नहीं। तो ये cos थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से 1 से छोटा, तो यहाँ लिख लो जो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना था 0। तो इसका मतलब है कि थीटा का मान जब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा अगर रहे तो cos थीटा का मान 0 से 1 के बीच आता है। तो देयरफोर यहाँ लिख लो जो थीटा का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा, तो हमको चेक करना है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वे रह जाएगा, ये हो गया 2 थीटा, ये हो गया पाई, तो देखो तीन रेंज में यही ओरिजिनल रेंज है। तो देयरफोर लिखे जो वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो रेंज में है तो लिख लो 2 थीटा और 2 थीटा कितना है तो cos इनवर्स है, तो therefore dy by dx, तो ये 2 आपको तो dy dx 2 तो कांस्टेंट है तो रहने दिए और cos इनवर्स x का dc निकाल दो, हो गया 2 और cos इनवर्स x के dc का फार्मूला दिए माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, की हो गया माइनस 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, यही आंसर आएगा। यही ओरिजिनल सवाल है जो आपसे पूछा जाता है 12 में, चाहे CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो या कोई भी बोर्ड हो, सब में यही सवाल रहेगा। ये एक्स्ट्रा दिया है, इसको जरा देखो। तो दूसरा दे रहा है क्योंकि एक्स का मान ये कहता है माइनस 1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो दैट इम्प्लाइज, तो ये हो गया माइनस से 1 रहने दो, एक्स क्या माने हैं तो cos थीटा आई हो गया जी, तो ये कहा cos थीटा का मान माइनस 1 से बड़ा और 0 से छोटा आए। अब देखें क्योंकि cos पाई बाई 2 से 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos पाई का वैल्यू निकालने तो ये होता है माइनस 1, तो अब इसका मतलब है कि थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो,
तो थीटा हो गया पाई बाई टू से 12, और ये सूचना दे रहा है पाई से छोटा, लेकिन हम टू थीटा करते हैं तो ये हो जा रहा है पाई से 12 और टू पाई से छोटा। अब समस्या ये है जो रेंज 0 से पाई ही है, अब ये पाई अंत है, यहाँ पाई से शुरू है, पाई से टू पाई तक भाग गया है ये, तो इसको रेंज में कैसे लाओगे। तो इसमें पाई अगर घटा दें तब क्या बचता है, तो ये हो जा रहा है 0, ये हो गया 2θ - π, और ये बच गया पाई, तो आ तो गया 0 से पाई, लेकिन ये वैल्यू देने पर ये चेक करो जो चेंज नहीं कर रहा है, तो क्योंकि कॉस ऑफ एंगल 2θ - π, तो इसको ऐसे कर देते हैं जो कॉस माइनस कॉमने ले लो तो पाई माइनस 2θ, तो कॉस ऑफ एंगल माइनस थीटा तो प्लस में कॉस थीटा हो जाता है। पाई माइनस 2θ, तो देखो यहाँ आ गया माइनस में कॉस 2θ, तो चेंज कर गया कि नहीं, तो इसलिए ये रेंज संभव नहीं है। अब क्या करें, तो हम लोग पढ़े हैं कि ये यहाँ से एक राउंड जब मूव कर लेगा तो ये एंगल कितना बनता है 2π, तो पहले तो इसको निगेटिव कर लो, तब 2π माइनस करेंगे तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव और सब निगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो 2π माइनस का उपयोग कर, तो पहले निगेटिव करेंगे तो माइनस 2π, ये हो गया माइनस 2θ, ये हो गया माइनस पाई, अब 2π जोड़ के देखो तो ये हो गया 0, ये हो गया 2π माइनस 2θ, आई 2π जब जोड़ेंगे तो हो गया पाई, तो अब ये 0 से पाई फिर रेंज में आया, और 2π माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये चेंज नहीं किया, तो ये सही जवाब हुआ। तो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू, तो ये दे रहा है कॉस इनवर्स, यहाँ लिखा कॉस 2θ, तो ये लिख लो कॉस इनवर्स, कॉस 2θ तो रेंज में नहीं था, तो रेंज में आया है 2π माइनस 2θ, कॉस 2π माइनस थीटा तो कॉस से रह जाता है, तो ये हो गया आपका 2π माइनस 2θ, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू 2π और माइनस 2, और थीटा क्या है तुम्हारा, तो कॉस इनवर्स है, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, तो 2π कॉन्स्टेंट है तो 0, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो रहने दो, माइनस 1π√ 1 - x² की, तो प्लस में हो गया 2π।